बड़ी खबर महोबा से है, जहां सीएम आदित्यनाथ का महोबा दौरा आज। आज शाम 4:15 पर महोबा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों को शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। तो 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महोबा के 2 ओवरब्रिज, बांदा ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। कबरई कानपुर 122 किलोमीटर हाईवे का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कबरई के माहा 46 किलोमीटर फोर लेन हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महोबा दौरा है। कबरई के माहा पर आउटर सर्किल का शिलान्यास होगा। तो पुलिस लाइन के मोदी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज महोबा के दौरे पर रहेंगे। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही महोबा को कई बड़ी सौगात भी देंगे। तो आज शाम 4:15 पर महोबा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो 9 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा। महोबा के 2 ओवरब्रिज, बांदा ओवरब्रिज का शिलान्यास होगा। कबरई कानपुर 122 किलोमीटर लंबे हाईवे का शिलान्यास करेंगे। कबरई केमाहा 46 किलोमीटर फोर लेन हाईवे का शिलान्यास करेंगे। कबरई केमाहा पर आउटर सर्किल का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पुलिस लाइन के मोदी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देंगे, क्या अधिक जानकारी? देखिए बिल्कुल, सीएम आदित्यनाथ आज महोबा के दौरे पर रहेंगे। आज शाम 4:15 पर महोबा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 9 परियोजनाओं को लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों को करेंगे शिलान्यास और महोबा के 2 ओवरब्रिज, बांदा ओवरब्रिज का भी शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। कानपुर 122 किलोमीटर हाईवे का करेंगे शिलान्यास। कई ऐसे 9 परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण होगा। अविनाश, अगर बात करें तो जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जिस हिसाब से जनसंख्या है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं हम सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक हर जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं और धरातल पर ये योजनाएं उतरती हुई नजर भी आ रही हैं। हम देख रहे हैं एक के बाद एक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट बन रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर ओवरब्रिज और सड़कें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की जिस तरह से जनता की देखभाल के लिए और जनता के विकास के लिए और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर जो विकास के मॉडल को लेकर जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का $1 ट्रिलियन का जो सपना था उसको भी लगभग पूरा कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं उसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ, चाहे वो विकास की बात हो या रोजगार की बात हो, लगातार काम कर रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ओवरब्रिज बन रहे हैं, राजमार्ग बन गए, कई ऐसे सड़कें बन रही हैं। और बात की जाए बेरोजगारी के दूर करने की, तो लगातार योगी आदित्यनाथ उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। जब से G20 सम्मेलन हुआ, G20 GIS का कार्यक्रम हुआ, लगातार अविनाश, अगर पहले की बात करें तो हम पहले देखते थे कि जब चुनाव का समय आता था तब इस तरह की योजनाओं की सौगात दी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश में हमको हर दिन देखने को मिलती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। क्योंकि इस बार का जो मेन मोटिव नजर आ रहा है सरकार का वो सिर्फ विकास है, चुनाव हो या ना हो, लेकिन जनता का विकास होते रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा भी था सबका विकास, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। लेकिन विपक्ष लगातार या बीजेपी सरकार पर हमलावर है और लगातार विपक्ष का यही कहना है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, 2024 का चुनाव को अभी एक साल ही शेष है और उसके बाद जैसे तरीके से अपना मुद्दा राम मंदिर का राम मंदिर का शुभारंभ होगा, उसके बाद लगातार राजमार्ग होने से कुछ लगातार हमलावर है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी सरकार है वो लगातार काम कर रही है। जी,
अगर बात करें अविनाश, तो जिस तरह से एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण योजनाओं का काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे में जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस तरह के विकास कार्यों को लेकर? जी, जिस तरीके से देखा जाए सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, सरकार अपनी तरफ से कुछ तरीके से काम करेगी। आईएएस का जब से सम्मेलन हुआ है सरकार, अविनाश हमने ये भी देखा है, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की शुरुआत भी की है। बताया जा रहा है कि करीब 45 लाख गरीब परिवार की महिला को रोजगार मिलेगा और एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने पर भी काम शुरू किया है। तो रोजगार पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस नजर आ रहा था कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से लगातार जीआईएस का शुभारंभ हुआ था उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोजगार बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका 1 ट्रिलियन डॉलर का जो सपना था उसको भी लगभग पूरा कर रहे थे। कि उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, युवा थे, नौजवान थे, महिलाएं थी, जो बाहर प्रदेश में काम करने जाते थे, तो जो योगी आदित्यनाथ का जो सपना था कि जिस तरीके से अब प्रदेश के लोग प्रदेश में ही काम करेंगे, तो उसको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कंपनियों से MOU साइन हुए, बड़ी बड़े उद्योगपतियों से भी साइन हुए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष था लगातार हमलावर रहता था, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी अविनाश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर महुआ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज महुआ के दौरे पर रहेंगे। शाम 4:15 पर महुआ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।